हेलो दोस्तों, मेरा नाम हितेश है। आज हम वेस्टिज का और एक डेमो देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं वेस्टिज का अल्ट्रा स्क्रब, जो डिश वॉशर है उसको हम आज कंपेयर करने वाले हैं जो ये मार्केट में जो मिलता है विम 1000 नींबू की शक्तियों वाला, वो और एक्चुअल नींबू के साथ। इसमें मैं ले रहा हूँ ये 3 ग्लास। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब ये इसमें मैं 1 ग्लास में नींबू डाल देता हूँ, एक में ये अल्ट्रा स्क्रब के तकरीबन 2 से 3 ml ओनली, और एक में ये विम साबुन। वो डाल देता हूँ, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। अभी इसमें हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो है इसका केमिकल रिएक्शन का टेस्ट। सो ये मेरे पास हल्दी है जो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, वो अगर किसी प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स है तो उसके साथ रिएक्ट करती है। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसको मैं पहले डालता हूँ ये नींबू में, दूसरा डाल रहा हूँ अल्ट्रा स्क्रब में, और तीसरा डाल रहा हूँ ये विम का जो हमने बनाया मिक्सर वो। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है, पहले नींबू में, दूसरा अल्ट्रा स्क्रब का, तीसरा जो है वो ये विम का है। सो इसमें आप देख सकते हैं ये जो नेचुरल नींबू जो था उसने हल्दी के साथ कुछ रिएक्शन नहीं किया और हल्दी ने अपना कलर जो है वो रिटेन रखा है, येलो का येलो ही रहा है। ये वेस्टिज का जो अल्ट्रा स्क्रब है उसने भी अपना कलर जो है वो रिटेन रखा है, मतलब इसमें कोई केमिकल्स हैजार्डस केमिकल्स नहीं है। और ये विम जो है जो हर घर में ऑलमोस्ट यूज़ होता है, ये इसमें केमिकल्स इतने ज़्यादा है कि इसने पूरा अपना कलर चेंज करके ये ऑलमोस्ट रेड जैसा हो गया है। तो इससे ही हम अपने बर्तन साफ़ करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्तन साफ़ कैसे होते होंगे। ये वेस्टिज का जो अल्ट्रा स्क्रब है उसका ये 500 ml का बॉटल है, इसको आपको यूज़ करना है 100 ml में मात्र 5 ml, मतलब खाली एक ये बॉटल से आप 10 लीटर जितना लिक्विड बना सकते हैं। सो ये था हमारा वेस्टिज का अल्ट्रा स्क्रब का डेमो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।